क्या हाल है दोस्तों। ओके, मैं जब से यूके आया हूँ मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज किया कि जाज़िब भाई प्लीज़ हमें भी बताएं कि आप यूके कैसे आए, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है पाकिस्तान और इंडिया से। तो मैंने जो है वो एक पूरी वीडियो बनानी है ये, जहाँ से ए से लेकर जेड तक जो है वो बताया जाएगा कि यूके के लिए स्टूडेंट वीज़ा इंडिया और पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, अब जब मुझे इन्फॉर्मेशन पता है तो मैंने कहा क्यों ना मैं शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि आपने आइल्स जो है वो करना लाजमी है। आइल्स क्या है? आइल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है जो आपने करना पड़ता है, और उसके बगैर जो है इस इंग्लिश कंट्री में आप नहीं एंटर हो सकते। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने जो है वो विदाउट आइल्स आना है, विदाउट आइल्स आप इस कंट्री में नहीं आ सकते, कोई ना कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो ही आप आ सकते हैं। बैचलर्स के आपको 5.5 से लेके 6 बैंड्स तक चाहिए होते हैं, और अगर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको जो है 6.0 से लेके 6.5 बैंड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, और ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सेकंड ये है कि आपने देखना है कि आपने अप्लाई कब करना है। यहाँ पे दो इनटेक होते हैं, जनवरी इनटेक और सेप्टेम्बर इनटेक, और जनवरी इनटेक के लिए भी और सेप्टेम्बर इनटेक के लिए भी आपको 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है ताकि आपका जनवरी में एडमिशन हो जाए या सेप्टेम्बर में एडमिशन हो जाए। आप कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट जो है यूजली पाकिस्तान में 25,000 जो है वो चार्ज करते हैं। मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम आए कि जाज़िब भाई ने बोला था तो हमने इनसे काम करवाया है और इनका ये प्रोसेस हो गया, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। यहाँ आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद अप्लाई करना भी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी है। आपने सबसे पहले जाना है ucast.com पे, और वहाँ पे जो है आपने अपना अकाउंट खोलना है, और आप वहाँ पे जो है वो किसी भी 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? आपको चाहिए आपका आइल्स जो आपने किया है, ऑब्वियसली आपकी मैट्रिक की क्या कहते हैं डिग्री, FSC की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री जो आप मास्टर्स में अगर एडमिशन करना चाहते हैं, ये आपको जो है वो मिनिमम जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। आप किसी भी 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है। जब यूकास्ट पे आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर उन जितनी भी आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा, मैक्सिमम आप 5 में कर सकते हैं, तो 5 में से किसी एक ने आपको जो है वो ऑफर लेटर भेज दिया होगा। मिनिमम जो है वो 1 वीक से 10 दिन लगते हैं इस प्रोसेस में। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपने आपको ऑफर लेटर भेजा है, ऑफर लेटर का ये मतलब है कि आपको वो अपना कोर्स जो है आप एडमिशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं, आपने जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता होता है आपको। तो सिंपली आपने जो है अगर एक्सेप्ट कर लिया कोर्स को तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है आपका इंटरव्यू। और ऑफर लेटर के बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, और वो बेसिकली देखते हैं कि ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं, अगर इसके इतने बैंड्स आए हैं आइल्स में तो क्या इसको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। बेसिकली जो है वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसी है, ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, बेसिकली ये सिंपल होता है। अगर आप जो हैं वो पास कर लेते हैं अपना इंटरव्यू, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अनकंडीशनल लेटर जो है वो आपको भेजती है। अनकंडीशनल लेटर में बेसिकली लिखा होता है कि ये आपका कोर्स है, हम इसमें आपको एडमिशन दे रहे हैं, ये आपकी स्टूडेंट आईडी है, और ये फ़ीस है, और इस दौरान जो है वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने जो ऑलरेडी अपलोड किए होते हैं वो भी, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 28 डेज़ की वो भी। बैंक स्टेटमेंट में अभी बताता हूँ कि कितने पैसे आपने अपनी बैंक जो बैंक में रखने हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए। ओके, अभी बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, कि आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए आपके अकाउंट में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितने दिनों की चाहिए, आपको लास्ट 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, 3 महीने की नहीं चाहिए होती, लास्ट 6 मंथ्स की नहीं चाहिए होती है, ओनली 28 डेज़ की होती है। और वो किस तरह आपने आपको बनानी पड़ती है, वो इस तरह बनानी पड़ती है कि आपकी जो 3 साल का फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स था, तो 1 साल की जो मेरी फ़ीस है वो 13,000 pounds जो है मेरी फ़ीस थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 33 lakh rupees बनती है 1 साल की। तो आपने बैंक आपके अकाउंट में जो है वो 1 साल की आपकी फ़ीस होनी चाहिए, और आपकी 1 साल की कॉस्ट ऑफ लिविंग होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आप खाना पीना रहना खर्चा सारा कुछ 1 साल के लिए करोगे, आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। आउटसाइड लंदन, अगर लंदन से आप बाहर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पे पढ़ोगे, तो उसकी जो है वो कॉस्ट है 9,207 pounds, जो कि पाकिस्तानी 23 lakh rupees बनती है। और अगर आप लंदन के अंदर रहते हैं तो वो तकरीबन कोई 10,500 pounds बनती है, जो कि आई थिंक कोई 28,000 या इस तरह बनती है। तो ये है कि टोटल आपके बैंक अकाउंट में जो है वो तकरीबन, अगर आप स्टूडेंट हैं बैचलर्स के, तो आपके अकाउंट में तकरीबन 68 lakh 67 lakh rupees होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके अकाउंट में 60 lakh to 64,000 होने चाहिए, क्योंकि ये मैं 64 lakh होने चाहिए। ये मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करेंसी जो है फ्लक्चुएशन बहुत होती है, कभी 300 pounds हो जाता है, कभी 250 pounds हो जाता है। तो आपको उस मुताबिक जो अपनी स्टेटमेंट जो है वो बनानी पड़ती है। मिक्स मैन ये जो आपको 28 days तक आपके बैंक में जो है
इतने पैसे होने चाहिए। ओके, आफ्टर अनकंडीशनल, अगर आप अनकंडीशनल में जो है वो पास हो जाते हैं, आपको जो है वो टीबी टेस्ट करवाना है। टीबी टेस्ट क्यों करवाना है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो टीबी बहुत ज़्यादा है, ये लंग्स की एक बीमारी होती है, तो इसलिए जो है आपको टीबी टेस्ट करवाना है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते, क्योंकि टीबी वाला जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे भी टीबी सबको करवा दे। तो टीबी के लिए आप जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो है वो इनकी यूके की जो है वो अपनी जो है क्लिनिक्स हैं जहाँ पे जो है ये टीबी टेस्ट करते हैं। 11,000 रुपीज़ जो है इनका चार्ज होता है, 11,000 रुपीज़ का आपका टेस्ट करके आपको दे देते हैं, एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि इस बंदे को टीबी है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप नहीं आ सकते यहाँ पे। अगर आपको मतलब अगर है टीबी तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं आ सकते, अगर नहीं आपको टीबी तो आप यहाँ पे जो आ सकते हैं। वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी देखा जाता है, और यहाँ पे जो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते हैं उसमें भी किया जाता है। इसके बाद जो है आप जब एक्सेप्ट हो जाते हैं, अनकंडीशनल भी आपका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तब यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, जो आप बैंक स्टेटमेंट देते हो, सारा कुछ देते हो, और वो वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है आपके अकाउंट में। उसके बाद जो है आपको चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से कैश लेटर। कैश लेटर क्या होता है? वो क्या है? कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी। ये लेटर बेसिकली एक स्पॉन्सर लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा, ये इस डेट को आएगा, इसकी क्लासेस इस डेट को स्टार्ट हो रही हैं, इस डेट को ख़त्म हो रही हैं, ये इसका स्पॉन्सर नंबर है, हम इसको अलाउ कर रहे हैं, तो काइंडली इसको वीज़ा दिया जाए। वो एक तरह का आपका स्पॉन्सर लेटर होता है जो कि वीज़ा होम ऑफिस को भेजना होता है। तो कैश लेटर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जब आपका अनकंडीशनल जो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो आपसे स्टेटमेंट मांगते हैं, और फिर आपका प्री कैश इंटरव्यू होता है। प्री कैश इंटरव्यू वीडियो कॉल के थ्रू होता है, और जो पहला इंटरव्यू मैंने बताया वो भी वीडियो कॉल के थ्रू होता है। तो वो आपका देखते हैं सेम के ये बंदा जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, आपसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आप जहाँ पे आ रहे हो, आपको आप जब यहाँ पे आते हो आप ऑब्वियसली जो रिसर्च करते हो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, आसपास के एरियाज़ देखते हो कि यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो आपसे सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप क्यों आ रहे हो, अपनी अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ा आपने, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो, सब कुछ जो है वो आपसे वो उस टाइम पे पूछते हैं। और इसके बाद जो है वो आपको जिस तरह आपका कैश हो गया, कैश एक्सेप्ट हो गया, इंटरव्यू एक्सेप्ट हो गया, आपको वो कैश लेटर दे देते हैं, और कैश लेटर लेके आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये करना है कि आपने अप्लाई करना है वीज़ा। ओके, इसके बाद जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपके पास आपका कैश लेटर आ जाता है, आपके पास आपका टीबी सर्टिफिकेट है, आयल्स का सर्टिफिकेट है, आपके पास आपकी डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज वेरिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं करवाई थी, नॉर्मल हो जाता है, ये नहीं आप HEC से करवा रहे हो, नहीं इतना मसला नहीं होता। ओके, अभी जो प्रोसेस है वो है वीज़ा की। वीज़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने UKVI इमिग्रेशन जो वेबसाइट है उस पर जाना है, आपने फॉर्म फिल करना है, सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है, आपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सारी झूठ नहीं बोलना, जो जो आपकी है, जो फॉर एग्जांपल आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर या आधार कार्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है आपने वही देनी है, जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वही आपने देनी है, एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं करना। और जो इसके बाद आपने जब ये एक्सेप्ट कर लेना है, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना है, तो वो आपको बोलेंगे वीज़े की फ़ीस पे करें। वीज़ा फ़ीस जो है वो मेरी जो थी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वो 1,07,000 रुपया थी। ये बैचलर्स और स्टूडेंट मास्टर्स के लिए एक ही है, ये नहीं है कि बैचलर्स की ज़्यादा हो, नहीं आपकी जो है वो एक ही है। इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं वो आपको बोलते हैं इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं IHS फ़ीस जो है वो आपको जो है वो पे करनी पड़ती है। बेसिकली ये होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो कोई भी कुछ भी आपको कुछ मसला हो जाता है, ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको फ्री में आपका इलाज करते हैं, जितनी देर आपकी जो डिग्री की ड्यूरेशन है वो आपको जो है वो फ्री में इलाज करते हैं। बड़ी से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाए आपने एक रुपया भी नहीं देना। ओके, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की जो बैचलर्स की फ़ीस है जो मैंने पे की थी वो 4,85,000 पाकिस्तानी रुपीज़ थी, और जो मास्टर्स की फ़ीस है वो आई थिंक 1,65,000 जो है वो फ़ीस है। बैचलर्स 3 साल का होता है इसलिए मेरी इंश्योरेंस फ़ीस जो थी वो ज़्यादा थी, 4,85,000। मास्टर्स 1 साल का होता है इसलिए जो है वो 1,60,000 ish कुछ इस तरह होता है। तो ये जो है ये आपको पे करनी है, ये आप स्किप नहीं कर सकते कि मैं नहीं करवाता, नहीं आपको लाजमी है ये करवाना। इसके बाद आपने जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करानी है VFS पे, और VFS जो है वो बेसिकली एक तरह का कुरियर सर्विस होता है जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, जो सारा कुछ है वो आपके फिंगरप्रिंट्स लगा के, आपका फेशियल स्कैन करके, आपकी पिक्चर्स लेके सब कुछ जो है वो UK भेज देते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। ये एक तरह का जो है कहते हैं TCS जिस तरह होता है या लेपर्ड कुरियर होता है, पोस्टल सर्विस है ये वो है, और इन्हीं के थ्रू जो आपका पासपोर्ट वापस आता है, उस पर स्टैंप लगा है या नहीं वो अलहदा बात है, लेकिन इनका काम होता है सिंपल डिलीवरीज करना। तो जिस तरह आप ये कर लेते हैं, आपने VFS की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवानी है, और वो आप ऑनलाइन बुक कराएंगे। 4 सिटीज़ में है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड मीरपुर में, और ये जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप जाएंगे अपॉइंटमेंट, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएंगे अपने, आप अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, फेशियल स्कैन होगा, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ होगी, और ये सब कुछ लगाने के बाद आपका जो है पासपोर्ट वो चला जाएगा UK। वो आपके ऊपर है कि आपका केस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ईजी है,
तो उसके ऊपर जो है वो बेसिकली 15 दिन लगते हैं वीज़ा आने में, मेरे जो है वो 9 डेज़ में हो गया था, और ये मैं बिजनेस डेज बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे निकाल के, तो मेरे जो है वो 9 दिनों में आ गया था वीज़ा। डिपेंड करता है आपका कि कितने दिनों में आए या ना आए, ये सब कुछ जो है केस टू केस है। ओके, इसके बाद ये है कि VFS जो है वो 15 दिन के बाद आपको आपका जो पासपोर्ट है वो आपको दे देगा, आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। ये सारा प्रोसेस है यूके के लिए एज अ स्टूडेंट आने के लिए, सिंपल प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे जो है वो तकरीबन साल डेढ़ साल लगा था ये सारे प्रोसेस को, क्योंकि मैंने आइल्स किया, आइल्स की तैयारी की, आइल्स दिया, उसके बाद मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्स सारे किए, सब कुछ करने में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो है नॉर्मल प्रोसेस है, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, हो सकता है इसके अलावा प्रोसेस, लेकिन बेसिकली जो मेन है वो यही है। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बता के कंप्लीट बता दूं कि इस तरह जो है वो वीज़ा जो मैंने है वो लगवाया था, इस तरह जो है मैं यूके आया हूं और मैं अपनी स्टडी इस तरह पूरी कर रहा हूं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों को, और मैं जो हूं वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो वीडियोज़ वगैरह बिहाइंड द सीन मेरी लाइफ यूके में कैसी है वो मैं जो है सारा जो है वो दिखाता रहता हूं। तो मेक श्योर जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो है वो फॉलो कर दें। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मैं सारी वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं, लाइक कर दें, फेसबुक पे फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, ट्विटर पे, और मैं तुमसे मिलता हूं अगले हफ्ते। बेल फॉर माय यार, बाय। You and I, we just different, I don't wanna. 여전한 TV나 세차 나가신다 넌 빨라.